आज से ठीक एक साल पहले हमारी रेस्क्यू लाइन पर कॉल आया। विनय जी ने सड़क किनारे एक जख्मी सा डॉग था पाया। शायद छोड़ दिया था उसे किसी ने, बेघर था बेचारा। इतने साल किसी का परिवार था वो, अब छिन गया था उसका हर सहारा। बढ़ गया शोर धनोटू गांव में कि सुना है भालू के शरीर में एक लैब्राडोर है आया। मैंने सोचा मैं भी मिलाऊं उसे, इतने डर का क्यों माहौल है चाया। एक्साइटमेंट में आके कदम बढ़ते रहे उसकी केनल की ओर, और जब उसे देखा तो समझ में आया कि बेवजह नहीं था वो सारा शोर। कद्दू सा पेट शेर से पंजे और गुब्बारे जैसे भरे भरे गाल, मुंह मूंद के बैठा था वो, मानो वो पूरी दुनिया से नाराज। उसके चेहरे के घाव पर कीड़े पड़े देख मैंने अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लिया और दिल से निकला, कीड़े पड़े उसे जिसने तेरा ये हाल है किया। कैसे पुकारे, क्या नाम दे उसको, इस बात से थे सभी कंफ्यूज, क्योंकि रेस्क्यू तो डॉग को किया था पर आ गया था एक तरबूज। मरहम पट्टी चली कुछ रोज, भरा जख्म, दर्द हुआ खत्म सारा, पर दिल पर जो जख्म थे उसके, उस दर्द से था मजबूर बेचारा। सर पर उसके हाथ फेर के न जाने उसे कितनी बार कह दिया कि तरबूज भूल जा तुझे धोखा देने वालों को, शायद भगवान ने उन्हें दिल ही नहीं दिया। फिर कुछ दिन बॉक्स पर क्या गए, उसका मुरझाया चेहरा खिल गया, जानी कहानी जो सबने उसकी, देखते ही देखते उसे घर भी मिल गया। पर शायद वो समय ही गलत था या उसकी किस्मत ही बेकार, बीमार होकर लौटा था वो, छोड़ा गया था फिर एक बार। बुझे दिए सी आंखें थी उसकी, पूछ रही थी चेहरे की थकान, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, बर्दाश्त ना होगा अब की बार। दर्द और स्वार्थ की इस दुनिया में उसका भोलापन काम ना आया, शायद तभी एक दिन हमने उसको अपनी अंतिम नींद सोते पाया।